हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेडनेसडेज स्टोरी। आई एम तनुश्री मैम एंड हियर अगेन विद अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो लेट्स सी व्हाट इज द स्टोरी फॉर टुडे। बच्चों, आज की कहानी का टाइटल है द स्पैरो एंड द एग्स, यानी गौरैया और उसके बच्चे। एक बार की बात है, एक गौरैया थी। उसने समुद्र के किनारे अपने अंडे दिए। हालांकि विशाल महासागर ने अपनी तरंगों से उसके सारे अंडों को बहा दिया। गौरैया ने पाया कि उसके अंडे गायब थे और उसे इस बात से बहुत तकलीफ हुई। उसने सोचा कि मेरे अंडे समुद्र में बह गए होंगे। वह विशाल समुद्र से विनती करने लगती है, हे मेरे प्यारे सागर, कृपया मुझे मेरे सारे अंडे वापस दे दो, जो कि बड़ी लहरों द्वारा बहा लिए गए हैं। लेकिन पराक्रमी महासागर ने गौरैया की दलील पर ध्यान नहीं दिया। गौरैया निवेदन करती रही। थोड़ी देर बाद जब सागर ने कोई जवाब नहीं दिया तो गौरैया बहुत गुस्सा हो गई। उसने कहा, अगर तुम मेरे अंडे नहीं लौटाओगे तो मैं तुम्हें सुखा दूंगी। वह सागर को धमकी देने लगती है। गौरैया के बार बार धमकाने की आवाज सुनकर आखिरकार सागर दिखाई दिया। वे उस पर हंसे और कहा, ये अंडे अब मेरी संपत्ति बन गए हैं। आप मुझे सुखाना चाहती हैं तो आगे बढ़ो। इसीलिए गौरैया ने समुद्र को सुखाने का फैसला किया। वह अपनी चोंच में पानी उठाकर बाहर फेंकने लगी। उसके असंभव संकल्प पर सभी को हंसी आई। उसकी गतिविधि की खबर पूरी दुनिया में फैल गई और वह भगवान विष्णु के विशाल पक्षी गरुड़ के पास भी पहुंच गया। वह उसके प्रति दयावान हो गया। उसने सोचा, क्या अद्भुत संकल्प है, मुझे इस गौरैया की मदद करनी चाहिए। वे फौरन उसके पास गए और कहा, मेरी प्यारी गौरैया, मैं आपके दृढ़ निश्चय से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निश्चित रूप से आपके अंडों को पुनः प्राप्त करने में मदद करूंगा। गौरैया ने बहुत खुश होकर उनसे धन्यवाद कहा। फिर गरुड़ विशाल सागर को देखने के लिए मुड़े और उन्हें कड़क आवाज के साथ कहा, इस गौरैया को उसके अंडे लौटा दो, नहीं तो मैं खुद गौरैया का काम करने लगूंगा। ये देखकर समुद्र सोच में पड़ गए। उसने सोचा, श्री गरुड़ भगवान के प्रिय सेवक हैं, आसानी से अपने चुनौतीपूर्ण कार्य में छोटे पक्षी की मदद कर सकते हैं। मैं श्री विष्णु के सेवक के प्रति
असहाय हूं। समुद्र डर गए, भयभीत हो गए, इसीलिए उन्होंने तुरंत गौरैया को उसके सारे अंडे वापस कर दिए। और इस प्रकार श्री गरुड़ की कृपा से गौरैया अपने सारे अंडे वापस पा सकी, और अपने सारे अंडों को वापस पाकर वो बहुत खुश हो गई। बच्चों, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है, और वो ये कि उस छोटी गौरैया के पास समुद्र से उसके अंडे वापस करने की क्षमता नहीं थी। यह वास्तव में एक असंभव कार्य था, फिर भी उसने अपने दृढ़ संकल्प को नहीं छोड़ा। अपने दृढ़ संकल्प से उन्होंने श्री गरुड़ का ध्यान आकर्षित किया, जो कि प्रभु के प्रिय सेवक हैं, और अपने कठिन काम में आसानी से छोटे पक्षी की मदद कर सकते थे। इसी तरह यहां तक कि हम स्वयं को प्रभु तक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन अगर हम कोशिश करें, अपने दृढ़ संकल्प को मजबूत बनाएं और प्रयास करते रहें, तो हम भगवान तक पहुंच सकते हैं और भगवान हमें मदद कर सकते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप यू विल enjoy this story. Thank you for watching this video. Next Wednesday, I will come back with another story. Till then, enjoy this video. Take care.